हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल एजुकेशन। इन आवर टुडेज क्लास वी विल डिस्कस द जनरल इंट्रोडक्शन टू आईपीसी। अंडर दिस इंट्रोडक्टरी क्लास वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीसी एंड इट्स स्ट्रक्चर। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट पॉइंट अंडर द हेड ऑफ जनरल इंट्रोडक्शन टू इंडियन पिनल कोड, दैट इज आईपीसी। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज IPC in its basic structure is a document that consists of the list of all the punishments and cases that a person who commits any kind of a crime is to be held liable and charged with. IPC को तो सबसे पहले अपन एक डॉक्यूमेंट मान के चलते हैं जिसमें कि लिस्ट दी हुई है अलग अलग तरीके की पनिशमेंट्स की, अलग अलग तरीके की केसेस की, किस टाइप की पनिशमेंट्स और किस टाइप के केसेस, उस हर एक क्राइम की पनिशमेंट दी हुई है जो कि कोई भी बंदा कमिट कर सकता है, जिसके लिए अपन उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं और जिसके लिए हम चाहेंगे कि इसको पनिशमेंट हो। तो ऐसे हर एक क्राइम की, हर एक एक्ट की, हर एक ओमिशन की एक्सप्लेनेशन दी हुई है आईपीसी में, प्लस उसमें क्या पनिशमेंट देनी चाहिए वो दी हुई है। तो इस पूरे लिस्ट से जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ इसको अपन आईपीसी बोलते हैं। सो द सेकेंड पॉइंट इज आईपीसी इज द मेन क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया। ये जो है अपने इंडिया की सबसे मेन दंड संहिता है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट पिनल कोड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1862 एंड सिंस देन नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन द कोड। इट मींस कि जो फर्स्ट पिनल कोड था 1862 में आया, जो कि हम अपन हिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, बट उसके बाद भी इसमें बहुत से अमेंडमेंट्स किए गए हैं आज 2022 तक, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्राइम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे लोगों की इंटेंशंस बदलती जाती हैं, तो उस हिसाब से लॉ में कहीं ना कहीं हमें बार बार चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट्स होते रहे हैं टाइम टू टाइम। द फोर्थ वन इज इट इज ए कम्प्रिहेंसिव कोड दैट इंटेंड्स टू कवर ऑल द सस्पेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। इट मीन्स कि ये जो आईपीसी है वो अपने आप में ही कम्प्रिहेंसिव कोड है। ये पूरे तरीके से संपूर्ण विधि है एक प्रकार से, जिसकी इंटेंशन है कि क्रिमिनल लॉ के जितने भी सब्सटेंटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको ये कवर कर ले। दो टाइप के लॉ होते हैं, एक सब्सटेंटिव लॉ होता है और एक प्रोसीजरल लॉ होता है। इसके लिए अपन एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। इन शॉर्ट बता देती हूँ आपको, प्रोसीजरल लॉ में अपन को जब हमारे किसी राइट्स का वायलेशन हो जाता है तो जो प्रोसीजर अपनाया जाता है जस्टिस के लिए उसमें आ जाता है प्रोसीजरल लॉ, और जो सब्सटैंटिव लॉ होता है उसमें हमारे राइट्स और ड्यूटीज़ बताई गई हैं हमें कि आपको ये करना है। तो क्रिमिनल लॉ में जितने भी हमारे राइट्स हैं, हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो अगर इन्फ्रिंजमेंट हो गया अगर, तो जो पनिशमेंट्स हैं वो सब क्रिमिनल लॉ में आ जाती हैं। तो अपन ने नॉर्मल वे में समझ लिया कि आईपीसी क्या है और उसका एक आइडिया हो गया हमें। अब अपन जल्दी से इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, आपको स्लाइड्स में दिखता जाएगा। इसमें जो है सबसे पहले आपको बता दूं कि आईपीसी में 23 चैप्टर्स हैं जिनमें 511 सेक्शंस हैं, 23 चैप्टर हैं और 511 सेक्शंस हैं। द कोड स्टार्ट्स विद एन इंट्रोडक्शन, प्रोवाइड्स एक्सप्लेनेशंस एंड एक्सेप्शंस यूज्ड इन इट एंड कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ ऑफेंसेस। इनमें स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इंट्रोडक्शन आएगा, एक्सप्लेन करेंगी वो, डेफिनेशंस हो गई आपकी, फिर कुछ एक्सेप्शंस आएंगे कहाँ कहाँ ये आईपीसी यूज नहीं हो सकती, और उसके बाद बहुत से ऑफेंसेस उनकी पनिशमेंट्स आएंगी। एक एक करके अपन चैप्टर वाइज पढ़ लेते हैं। सो द फर्स्ट चैप्टर कंसिस्ट ऑफ सेक्शन 1 to 5, 5 सेक्शन है इसमें जिसमें कि सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। चैप्टर सेकेंड 6 to 52, ये जनरल एक्सप्लेनेशन हैं जिसे आमतौर पर अपन डेफिनेशन क्लॉज भी कह देते हैं, बट ये सेक्शंस में बताई गई हैं। चैप्टर थर्ड में 53 से 75 तक पनिशमेंट्स बताई गई हैं। चैप्टर फोर में 76 सेक्शन से 106 तक जनरल एक्सेप्शंस बताए गए हैं, और चैप्टर 5 में सेक्शन 107 से 120 तक अबेटमेंट को एक्सप्लेन किया गया है, और 5A में 120A से लेके 120B तक सिर्फ दो सेक्शन, सबसे छोटी है ये, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बताई गई है।
नेक्स्ट वन इज चैप्टर 6। इसमें 121 से 130 तक ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट बताए गए हैं। चैप्टर 7 में 131 से 140 तक ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इसको एक्सप्लेन किया गया है। चैप्टर 8 में 141 से 160 तक ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। चैप्टर 9, इसमें 161 से 171 तक ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। चैप्टर 9A में 171A और 171I तक ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस को एक्सप्लेन किया गया है। चैप्टर 10 में 172 से 190 तक ऑफ कंटेम्प्ट्स ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। देन चैप्टर 11 कंसिस्ट ऑफ 191 टू 229 सेक्शंस ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। चैप्टर 12 सेक्शन 130 टू 263 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टाम्प्स। चैप्टर 13 सेक्शन 264 टू 267 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर्स। चैप्टर 14 सेक्शंस 268 टू 294 ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डेसेंसी एंड मोरल्स। चैप्टर 15 सेक्शन 295 टू 298 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। चैप्टर 16 सेक्शन 299 टू 377 ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। चैप्टर 17 सेक्शन 378 टू 462 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सेक्शन 18 सेक्शन 463 टू 489E ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स। चैप्टर 19 सेक्शन 490 टू 492 ऑफ द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विस। चैप्टर 20 सेक्शन 493 टू 498 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। देन चैप्टर 20A सेक्शन 498A ऑफ क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। देन चैप्टर 21 दैट इज सेक्शन 499 टू 502 ऑफ डिफामेशन। चैप्टर 22 सेक्शन 503 टू 510 ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनॉयंस। चैप्टर 23 दैट इज सेक्शन 511 ऑफ अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेंसेस। तो ये एक ओवरव्यू हो गया 23 चैप्टर्स का और 511 सेक्शंस का। इसको अपन धीरे 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 करके बहुत इजी वे में कवर करने वाले हैं सारी सेक्शंस को, और अपना ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर देंगे बहुत जल्द। होप यू ऑल एंजॉयड टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज, एंड प्लीज कॉमेंट योर सजेशंस रिगार्डिंग अवर वीडियोज सो वी कैन इम्प्रूव एज पर योर डिजायर्स। योर कॉमेंट्स आर वैल्यूएबल टू अस। थैंक यू सो मच।